हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला आई होप आई एम प्रोपरली विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरी वन ऑफ यू राइट नाउ फटाफट से बता दीजिए लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी कवर किया था उससे रिलेटेड डी पी पी आज हम लोग क्लास के एंड में सॉल्व कर लेंगे तो वो भी आपको कोई इशू नहीं होगा ठीक है ओके इज एवरीथिंग फाइन ऑल गुड आई होप आप लोग कंटिन्यूअसली रिविजन कर रहे होंगे क्योंकि बायो में हम लोगों को एडिशनल टाइम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है ओके आर्टिफिशियल मोलर से कोई प्रॉब्लम हो सकता है आर्टिफिशियल मोलर कब लगवा लिया तुमने क्यों लगवा लिया ओके आई एम परफेक्टली फाइन चलिए ठीक है तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो एक नए यूनिट की यहाँ पे शुरुआत है जो है डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सबसे पहले प्रथान अनुसार सब लोग प्रॉमिस कर दीजिए कि क्लास की क्लास में ही इस चीज को याद कर कर जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम अगर अकेले पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें नहीं याद होगा इस बात की गारंटी मेरी है यहाँ पे क्लास की क्लास में मेरे साथ याद करो और फिर इसकी रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये भी मैं तुम लोगों को अभी बताने वाली हूँ डीपीपी कर लिया नाइन बाई टेन आया था कोई दिक्कत नहीं है अभी हम लोग सारे क्वेश्चन जो हैं उनको यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आई है उन सबको यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ओके रोमिस चलो बढ़िया तो हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आज हम लोग मेनली प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं सबसे पहले तो हम डाइवर्सिटी ही देखेंगे उसके बाद में इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये उठती है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता ठीक है बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायो का मतलब क्या है हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में ये देखा था कि अर्थ यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसकी सरफेस पे लाइफ मौजूद है और उसी लाइफ की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं यानी कि जीव जो हैं उनकी स्टडी तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारे आस मौजूद जो भी विभिन्नता देखने को हमें मिलती है यानी कि घर से बाहर निकलो तो अलग अलग एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं बिल्ली देखने को मिल रही है डॉग देखने को मिल रहा है या फिर इंसेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें जो भी यहां पे वैरायटी देखने को मिलती है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं और उसी के बारे में हम लोगों को यहां पे चर्चा करनी है ठीक है इस दस से क्लियर सबसे पहले तो ये बताइए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ दैट यू विल फाइंड इन एन एरिया अब देखो अब क्या हुआ जैसे तुम लोग अलमारी में अगर मम्मी बोल हैं कि भैया कपड़े अच्छे से जमा के रख दो तो तुम अलमारी के अलग अलग खंड में अलग अलग चीज़ें रख देते हो जमा के जिससे कि तुम लोगों को थोड़ी आसानी हो जाती है बाद में जब भी तुम्हें कहीं जाना है तो कपड़ों को ढूंढने में एक कंपार्टमेंट में तुमने अपने इंडियन वेयर रख रखा है एक कंपार्टमेंट में वेस्टर्न वेयर रख रखा है एक कंपार्टमेंट में तुम लोगों ने कैजुअली जो पहनना है वो रख रखा है ठीक है इससे हम लोगों को आसानी होती है तो सिमिलर प्रकार से जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी हम लोगों की पता है कितनी है अराउंड टेन मिलियन स्पीशीज़ हमारे धरती के ऊपर मौजूद हैं अब उनमें से सिर्फ एक मिलियन स्पेशीज या डेढ़ मिलियन स्पीशीज़ की अभी तक हम लोगों ने खोज की है और उन डेढ़ मिलियन स्पेशीज़ की अगर हम बात करें इतनी सारी स्पेशीज याद रखनी यार कैसे याद रखोगे बताओ तो इनको भी हम लोगों ने क्या कर दिया है क्लासीफाई कर दिया है अलग अलग सिस्टम्स में क्लासीफाई कर दिया जिससे हम लोगों को उनको पढ़ना आसान हो गया है अब एक बार में तो हमारा क्लासीफिकेशन भैया सही हुआ नहीं था अब क्या करते थे हम लोग ने क्या किया अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग से शुरुआत की कि भैया क्या करना है क्या करना है तो कुछ ने पहले कुछ दिया उसके बाद में वो अगर थोड़ा एग्री नहीं हुआ तो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने लेकर आया क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था इसी प्रकार से हम एक ऐसे फाइनल क्लासिफिकेशन पे पहुंचे जिसको हम लोगों ने अब फाइनली अडाप्ट कर लिया है एक्सेप्ट कर लिया है ठीक है चलो ठीक है मैं इतने टाइप के क्लोथ्स भी अरे लड़कियों से पूछो लड़कियों को पता है कितने वैरायटी के क्लोथ्स होते हैं लड़कों का इस मामले में कुछ नहीं होता भाई ठीक है उनको जहाँ जाना होता है वो सेम कपड़े पहन के चले जाए तो भी उन्हें कोई नोटिस नहीं करता लड़कियों के पास में होती है वेराइटी मुझे ठीक है चलो अब ईच ऑफ़ दीज स्पीशीज एंड ऑर्गैनिज्म वर्क टूगेदर इन इको सिस्टम्स लाइक एन इंट्रीकेट वेब टू मेंटेन द बैलेंस अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट अब इनको अगर तुम लोग याद रखोगे याद करोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर को पचास साल हो गए प्रोजेक्ट एलिफेंट को तीस साल हो गए हैं आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए राइट अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में स्पेशल पॉइंट क्या थे आपको ये भी याद होने चाहिए कि भैया अभी कब वो लॉन्च हुआ था कब ये सिस्टम आपका कब ये प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च हुआ था और उसके साथ में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो भी लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से लॉन्च किया था कौन कौन सी बिग कैट्स होती हैं और एक्चुअल में बात ये हमारी उठती है कि प्रोजेक्ट टाइगर या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च क्यों किया, किया जाता है इसलिए लॉन्च किया जाता है क्योंकि हमें उनको बचाना है हम खुद को ही बचा लें उनको बचाने की क्या जरूरत है इसलिए क्योंकि ये सब के सब सारे जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ठीक है एक दूसरे से कनेक्टेड का मतलब एक पूरा का पूरा चेन बना हुआ है अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो चेन नहीं पूरा जाल बना हुआ है अब उस जाल की अगर मैं आप लोगों को फोटो दिखाऊं तो कुछ ऐसा हमारा फूड वेब बना हुआ है अब इस फूड वेब के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सब एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है अगर इनमें से कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल ये हॉक यहां से गायब हो जाती है तो इस वाले का नंबर बढ़ जाएगा इसका नंबर बढ़ जाएगा ठीक है तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है बच्चे वैसे सब लोग इफेक्ट पे होने वाले हैं इसीलिए एक एक स्पीशीज को बचाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है तो इसीलिए उन सबको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है पढ़ेंगे नहीं तो उनको समझेंगे कैसे और अगर पढ़ना है तो उनको क्लासीफाई करना जरूरी हो जाता है और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है, है? चलो अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हमारे नेचर में क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है फूड वेब एग्जिस्ट करता है या फिर फूड चेन एग्जिस्ट करता है ये बताइए आप इन दून, दोनों आपने टर्म्स को क्लास से सुन रहे होंगे आप लोग कि फूड वेब क्या होता है फूड चेन क्या होता है वेब का मतलब होता है पूरा जाल चेन का मतलब होता है एक सिंगल लाइन फटाफट से बताइए बताओ बताओ ह्यूमन का फूड चेन क्या है ह्यूमन का फूड चेन नहीं होता बच्चा फूड चेन का मतलब क्या होता है कि किसी सबसे पहले प्लांट के ऊपर किसी इंसेक्ट ने फीड किया इंसेक्ट के ऊपर किसी जानवर ने फीड किया जानवर को इंसान खा रहा है तो वो एक पूरा का पूरा चेन बन गया है आपका फूड वेब डेफिनेटली तो हमारे नेचर में एक्चुअल में फूड वेब एग्जिस्ट करता है ये चीज हमें पता होनी चाहिए चेन से मिलके ही वेब एग्जिस्ट करता है चेन इज जस्ट फॉर स्टडिंग चेन मिलकर ही एक वेब बना रही है ठीक है तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटेड नंबर मतलब उनका देखें तो 10 से 15 मिलियन यू कैरेटिक स्पीशीज हैं लेकिन अभी तक सिर्फ हम लोगों ने 1.5 मिलियन स्पीशीज का पता लगा पाया है बाकी सारी स्पीशीज को हम जानते भी नहीं हैं अब उन सारी स्पीशीज में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो पता होने से पहले एक्सटेंट हो जा रहे हैं अब एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं पता होने से पहले तो कहीं ना कहीं हमारे फूड वेब को भी वो इफेक्ट कर रहे होंगे यानी कि उनको जानना और उनके बारे में स्टडी करना उनको क्लासिफाई करना हमारे लिए ज़रूरी है नहीं तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही फर्क पड़ने वाला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हम लोगों को पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से ठीक है तो कितने स्पीशीज अभी तक हम लोगों ने uh, खोज लिए हैं 1.5 मिलियन अराउंड ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली टेन परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन आवर वर्ल्ड ठीक है तो अब देखो यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोला जाता है मेगा डाइवर्सिटी अब हमारे पूरी दुनिया में सत्रह ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको मेगा डाइवर्सिटी बोला गया है अब क्यों रखना था ये नाम क्यों ज़रूरत पड़ी इसलिए क्योंकि इन सत्रह कंट्रीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को मिलती है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यानी कि यहाँ पे जो हमें जैव विविधता मिल रही है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है ठीक है अब यहाँ पे ये हम लोगों को बोलना क्यों ज़रूरी था ये फालतू की पढ़ाई हम क्यों करें इसलिए करें क्योंकि जब हमें ये पता रहता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ हम लोगों को सिर्फ वहीं पे मिल रहे हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा विविधता मिल रही है तब हम वहाँ पे उस चीज़ को सेव भी करेंगे उस एरिया को सिक्योर करना सेव करना बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हम ऐसे एरियाज़ पर फोकस करेंगे मेगा डाइवर्सिटी वाले एरियाज़ पर तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे ओवरऑल अर्थ की बायोडाइवर्स को बचाना तो कितनी मेगा मेगा कंट्रीज कंट्रीज हैं हैं हमारे 17 है, जो यहां पे सारी की सारी की चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी अवेलेबल हैं आप लोगों को यह पता होना चाहिए चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से फटाफट से मुझे बताइए आप लोगों ने जोग्रफी में पढ़ा होगा फोर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हॉटस्पॉट क्यों बोला है क्योंकि यहां पे मैक्सिमम हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और इनको प्रिजर्व करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है फोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के कौन कौन से हैं फटाफट से मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में ओके प्रज्ञा ने एक बताया है वेस्टर्न घाट्स ठीक है और नॉर्थ ईस्ट में क्या बच्चा सोचो 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 हिमालयाज इंडोबर्मा वेस्टर्न घाट्स एंड सुन्डरलैंड बहुत बढ़िया आंसर आ गया है मेरे पास में तो हम वेस्टर्न घाट से शुरुआत करते हैं वेस्टर्न घाट्स फिर ऊपर की तरफ जाएंगे हिमालयाज इंडोबर्मा रीजन बर्मा, बर्मा यानी कि म्यांमार वाला रीजन इंडो बर्मा रीजन और एक और आ जाता है आपका सुंडा लैंड और सुंडा लैंड से रिलेटेड एक आपको करंट अफेयर की मैं बात बता देती हूँ यहाँ पे सुंडा लैंड आपका कहाँ आता है ग्रेट निकोबार रीजन में आता है और ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक व्यू से लेकिन उसे रोक दिया गया था सत्तर हजार करोड़ का वो प्रोजेक्ट था लेकिन उसे रोक दिया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा वो ट्रिब्यूनल जो कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल है जो कि दो में बनी थी उन्होंने उसको रोक दिया था क्योंकि वो हमारी बायो डायसिटी के लिए एक खतरा यहां पे प्रूव हो रही थी ठीक है वो थोड़ी सी डिटेल में मैं चली जाऊंगी अगर वहां पे जाऊंगी तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं लेकिन सुंडा लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट यहां पे बनने वाला था जिसको रोक दिया गया है अभी टेम्प्ररीली लेकिन इसका स्ट्रैटेजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है ठीक है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए अब बात आती है क्लासिफिकेशन की और जैसा मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है ठीक है अब सबसे पहले जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था वो थे सर अरिस्टोटल अब सर अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों में बांट दिया था सारी के सारी स्पीशीज को या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स प्लांट्स में भी हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज और एनिमल्स में एयर पे रहने वाले लैंड पे रहने वाले वाटर में रहने वाले लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पीशीज थे जो इन दोनों क्राई क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ पा रहे थे इसीलिए ऑफ कोर्स अरिस्टोटल का सिस्टम सबसे पहले आया था उनने शुरुआत ज़रूर की थी लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं था ठीक है तो बाद में और भी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और उसके बाद में उन्होंने हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए जिसमें से सबसे ज्यादा जो नोन अभी क्लासिफिकेशन है वो है सर अर्नेस्ट हैकल के रॉबर्ट विट के और कार्ल वीज के अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती हैं सबसे पहली बात कि हम लोग रॉबर्ट विट के क्लासिफिकेशन को अभी यहाँ पे फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारा कौन सा सिस्टम हो जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है और कार्ल वीस की अगर बात करें यहाँ पे ई है कार्ल वीस की बात करें तो उन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था फाइव से एनहांस करके इन्होंने सिक्स वाला किंगडम क्लासिफिक ठीक है लेकिन हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा अभी एक्सेप्टेबल नहीं है तो एनसीईआरटी की बात करें तो भी विटेकर वाला क्लासिफिकेशन भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं ठीक है अरेस्टोडल जो दिख रहा है वही नाम बना लिया अरे भाई लेकिन उन्होंने शुरुआत तो की थी एटलीस्ट क्लासिफिकेशन की बात ये होती है कि हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ से राइट right. अब शुरुआत करने के बाद में ही चीज़ें आगे बढ़ी थी शुरू तो होनी चाहिए ना इसीलिए लिए वहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस हो जाती है फॉर एग्जांपल अगर हम सेल थ्योरी की बात करते तो हम तो बोलते हैं कि यार उन्होंने क्या उन्होंने तो प्लांट का ऐसे ही बोल दिया था एनिमल का ऐसे ही बोल दिया था कि सब सेल के बने हुए हैं इसमें कौन सी बड़ी बात थी उस टाइम पर बड़ी बात थी उस टाइम पे सेल की खोज उसके बाद में न्यूक्लियस की खोज सारे ऑर्गेनल्स की खोज अभी हमें लगता है कि क्या था लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात थी क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई थी सेल थ्योरी से शुरुआत हुई थी हम लोग समझना शुरू किए थे दैट इज़ वाई अरिस्टोटल का भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो ये हम लोगों को याद रखना है अर्नेस्ट ठाकर रॉबर्ट विट और कार्ल वीज सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विट्टेकर पे पांच किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड किया है यानी कि अलमारी के पांच खंड हैं मोटे मोटे ठीक है जो हम लोगों ने यहाँ पे रख लिए हैं अब पांच खंडों में तुमने कैसे अलग अलग प्रकार से कपड़े रख रखे हैं वो हमारा डिपेंड करता है अब इन्होंने ये बोला कि हम किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे अलग अलग कपड़े रखें या फिर कलर के बेसिस पे रखें या फिर कहाँ पहनना है उसके बेसिस पे रखें या फिर हम लोग और भी किसी भी वैरायटी में रख सकते हैं और भी किसी बेसिस पे रख सकते हैं तो उस हिसाब से कौन कौन से ऐसे क्राइटीरिया होने वाले हैं तो तीन क्राइटीरिया यहाँ पे बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना ठीक है तीन क्राइटेरिया सेल का स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर यानी कि यू है कि प्रो कैरियोटिक है प्रो यानी प्रिमेटिव है यानी या आ, फिर यू कैरियोटिक यानी कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है या फिर मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फोटोट्रॉपिक है ऑटोट्रॉपिक है कैसा है ये डिपेंड करता है है ना जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक में ही फोटोट्रॉफिक आ जाता है या फिर हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाता है होलोजोइक है कि पैरासिटिक है कि सैप्रोफिटिक है उस बेसिस पे और एक और आ जाता है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन प्रिमिटिव है या फिर थोड़ा सा एडवांस है ये तीन उनके क्राइटेरिया थे जो आपके क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि विट का ही क्लासिफिकेशन अभी हम ही सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं ठीक है ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए अब देखो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हायरार्की क्या होता है अब इन्होंने हम लोगों को पांच किंगडम्स दिए यानी कि हम लोगों ने पांच खंडों में अलमारी को डिवाइड कर दिया अब उन पांच खंडों में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस हिसाब से बांटा कि एक में मैं एथनिक वेयर रखूंगी एक में मैं अपना जो वेस्टर्न वेयर है वो रख रही हूँ अब एथनिक वेयर में भी एक जगह मैंने साड़ियां रख रखी हैं एक जगह मैंने सूट रख रह रखे हैं यानी एक डिविजन के अंदर फर्दर डिविजन अब साड़ियों में भी मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बाहर जाने वाली साड़ियाँ हैं या फिर ये कैजुअली पहनने वाली साड़ियाँ हैं तो उसमें भी फर्दर डिविजन अब बाहर जाने वाली साड़ी में भी ये कलर की साड़ी और ये कलर की साड़ी उसमें भी फर्दर डिवीजन यानी डिवीजन के अंदर डिवीजन के अंदर डिवीजन ऐसे डिवीजन होता जा रहा है राइट सिमिलर तरीके से यहां पे भी ऐसा पूरा का पूरा हम लोग डिवीजन देखने को हम लोगों को मिलता है टोटल कितने किंगडम्स हैं वन टू थ्री फोर 5 फाइव किंगडम्स हैं अब इनके अंदर फर्दर डिवीजन होंगे फर्दर इनके अंदर डिवीजन यहां पे होने वाले हैं और अब उनको हम याद कैसे रखेंगे तो जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं कोर्स पे उन्होंने बता भी दिया है पीसीओ फंगस पीसीओ फंगस से हम लोग इस चीज को याद रखेंगे ठीक है देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ रहा है किंगडम के बाद में सबसे पहले हमारे पास में आएगा फाइलम फिर आएगा क्लास फिर आएगा ऑर्डर P से यहां पे मैं लिखती जाती हूं फाइलम उसके बाद में सी से आएगा क्लास ओ से आएगा ऑर्डर एफ से आएगा फैमिली जी से आएगा जीनस और एस से आ गया हमारे पास में स्पीशीज ठीक है तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा डिवीज़न होता है फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है क्या पूछा जा सकता है कि ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या आता है फैमिली और स्पीशीज के बीच में क्या आता है तो आपको यहाँ से जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा ठीक है तो किंगडम हमारा सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया और स्पीशीज हमारा सबसे छोटा क्लासिफिकेशन हो गया यानी कि अगर मैं स्पीशीज के अंदर जाऊं तो मेरे को बहुत ही स्पेसिफिक चीज मिलने वाली है आ, अगर मुझे सपोज चाहिए कि ब्लैक कलर की वे ब्लैक कलर की मुझे साड़ी चाहिए जो मुझे बाहर पहननी है तो वो एकदम कैसे हो जाएगी एकदम वो सबसे छोटा वाला पोर्शन हो जाएगा जहां पे हंड्रेड परसेंट स्पेसिफिक हम लोगों को देखने को मिले कि भैया स्पिशीज सबसे ज्यादा छोटा यहां पे हम लोगों को चीज मिल रहा है और अगर कोई दो से एक स्पीशीज के अंदर आ रहे हैं तो हंड्रेड परसेंट वो केपेबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए ठीक है में दो ऑर्गेनिज्म हंड्रेड परसेंट रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होंगे ये इसका एक स्पेशल फीचर यहां पे आ जाता है क्या ये चीज क्लियर है इज दिस थिंग क्लियर

अब बात आती है कि ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिस हिसाब से हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि ये चीज हम लोगों को यहां रखनी है ये चीज हम लोगों को यहाँ रखनी है अब ये वाली जो पूरी स्टडी है ना इसको बोला जाता है टेक्जोनॉमी क्या बोला जाता है टेक्सोनॉमी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि अगर कोई रास्ते पे कोई जानवर जा रहा है ठीक है तो हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज अ डॉग सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अ डॉग ठीक है और उसके बाद में उसका नॉमन किया हम लोगों ने कि नॉमिन क्लेचर किस हिसाब से कर रहे हैं हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी एक यूनिवर्सल नॉमन होता है कहीं कुछ बोला जाता है कहीं कुछ बोला जाता है ठीक है उसके बाद में क्लासीफाई करना उस चीज को कि अच्छा ये डॉग है तो ये कैसा है यू कैरियोटिक है या मल्टी सेल्युलर है इसके बाद सेल वोल नहीं होती है तो इसको एनिमेलिया किंगडम में डाल देना चाहिए तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है कि हमने देखा आइडेंटिफाई किया उसको नाम दिया और उसको फिर क्लासीफाई कर दिया कि भैया यहां पे रहोगे यहां पे रहोगे कि कहां पे रहोगे इस पूरी की पूरी साइंस को बोला जाता है टेक्जोनोमी एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्जोनोमी सर कैरलस लिनेस कैरलस लिनेस को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी और कैरलस लिनेस ने ही हमें बाइनोमियल नोमिन भी दिया था अब ये बाइनोमियल नोमिन क्या है इसको यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं तो देखो बच्चा बाइनोमियल नोम क्लीचिड जैसे मेरा नाम है सौम्या गुप्ता ठीक है अब अगर कोई मेरे को सिर्फ गुप्ता बोले तो गुप्ता तो बहुत सारे लोग हैं ना अगर मेरी फैमिली में ही स्पेसिफिक बोले तो मेरी मम्मी पापा भाई सब लोग गुप्ता हैं लेकिन स्पेसिफिक करने के लिए वो सौम्या गुप्ता यहाँ पे लिख दिया ठीक है सिमिलर तरीके से एक यूनिवर्सल नाम दिया जाता है लोकल लैंग्वेज में तो सब लोगों को अलग अलग नाम दिया जाता है जैसे घर पर मुझे मेरा निक नेम से बुलाया जाता है कहीं मेरी नानी मुझे अलग नाम से बुलाती है मेरी दादी मुझे अलग नाम से बुलाती है तो ये तो सारे हैं ही लेकिन यूनिवर्सल तौर पे एक नाम से जाना जाता है और वो है सौम्या गुप्ता ठीक है ये हो जाता है तो उसी प्रकार से हम लोगों ने हम लोगों ने तो नहीं कैरलिनियर सर ने हम लोगों को बाइनोमियल नोम के बारे में यहाँ पे बताया था ठीक है अब ये बाइनोमियल नोम क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जीनस और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं स्पिशीज ठीक है अब मेरा जीनस क्या है जीनस मेरा हो जाता है गुप्ता ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है और अगर मैं और स्पेसिफिक जाऊं क्योंकि स्पेशल बहुत स्पेसिफिक हो जाता है तो यहां पे आ जाएगा सौम्या तो लेकिन यहाँ पे सेकेंड वाला जो स्पीशीज वाला वर्ड है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा ठीक है तो ये आ जाएगा गुप्ता सौम्य ये मेरा बायनोमिन नोमिनचर यहाँ पे मैंने कर दिया इस तरह से होता नहीं है जीनस स्पीशीज नहीं है ये मेरा ठीक है लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस प्रकार से होता है अब हमेशा अंडरलाइन होता है नाम लेकिन अगर इटैलिक्स में लिखा जाता है तो अंडरलाइन नहीं होता इस चीज़ को याद रखना अगर मैं में लिखती तो अंडरलाइन नहीं होता नहीं तो ये नाम हमेशा अंडरलाइन होगा और पहला जो यहाँ लेटर रहने वाला है वो हमेशा कैपिटल याद रखना बात करें तो मेमोसा जीनस है पुडिका स्पीशीज है मेमोसा में बहुत सारी चीजें मिलती है लेकिन हम स्पेसिफिक अगर पुडिका की बात करें तो हम लोग टच मी नॉट या फिर हुई मुई की बात कर रहे होते हैं है ना तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है यहाँ पे जीनस और स्पेशीज होता है अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग हैं होमोसेपियंस बीइंग ह्यूमन नहीं होमोसेपियंस तो होमो यहां पे क्या है जीनस है स्पेशीज क्या है सेपियंस है ठीक है होमो इरेक्टस था पहले नियंडरथल्स था पहले तो अगर होमो इरेक्टस की मैं बात करती हूँ तो वो स्पीशीज अलग थी जीनस सेम था इस चीज को ध्यान रखना ठीक है लियोपैनथेरा या फिर एलियम सेपा अनियन का नाम हो जाता है मेंजिफेरा इंडिका मैंगो का नाम हो जाता है तो इसी हिसाब से सबका जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो यूनिवर्सल लेवल पे एक ही नाम दिया हुआ है ठीक है तो ये चीज समझ में आई है कि नहीं देखो सब लोगों ने बता दिया टेक्टोना ग्रैंडिस यस तो यहां पे अब अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चार्ट दिया हुआ है होमोसेपियंस की बात करें तो सेपियंस हमारा क्या हो जाएगा स्पीशीज होमो हमारा जीनस है होमिनिट्स फैमिली है ऑर्डर प्राइमेट्स है क्लास मैमल्स है फाइलम कॉर्डेट्स है और किंगडम एनिमेलिया है और ये सारी चीजें हम लोगों को पता चलेंगी जब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे होंगे तब हम लोग मैमल्स तक तो यहाँ पे कवर कर ही लेंगे ठीक है उसके बाद में होमोसेपियंस हमें जीनस और स्पीशीज का मतलब यहाँ पे अच्छी तरह से पता है ठीक है इज दिस थिंग क्लियर तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी हम लोगों को कहाँ मिलती है हम लोगों को सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी मिलती है स्पीशीज के अंदर और सबसे ज़्यादा ब्रॉडनेस हम लोगों को कहाँ मिलती है ब्रॉडनेस हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया में मिलती है किंगडम के अंदर मेरा निकनेम तुम लोगों ने रख तो रहा है सोमा मैम बोलता है कोई मेरे को यहाँ पे सौम्या की जगह निकनेम तो तुम लोगों ने भी रख रखा है तो अब अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं भाई प्राइमेट प्राइमेट कहाँ है बेटा प्राइमेट ऑर्डर हो गया यहाँ पे ठीक है ऑल क्लियर परफेक्ट तो ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई हम पढ़ क्या रहे हैं दोबारा से एक चीज एक बार रिवाइज करो हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव की विविधता अब उसको पढ़ने के लिए सारी स्पीशीज को समझने के लिए अब समझना क्यों है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है समझने के लिए क्लासिफाई करना ज़रूरी है क्लासिफिकेशन में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं अब किंगडम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हमने पढ़ी हैं और नाम किस तरह से किसी को भी दिया जाता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ठीक है चलो ओके बढ़िया और नाम रख दो मेरे दुनिया भर के जितने नाम आते तुम लोगों को रख दो अब देखो अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा ये मेरा लिटरली मेरा फेवरेट माइंड मैप है पिज्ज़ा मैम यार देखो क्लास के बीच में पिज्ज़ा की याद मत दिलाया करो पाप पड़ेगा सही बता रही हूँ बुरा लगता है ठीक है ओके अब यहाँ पे ध्यान दो रे ये जो माइंड मैप है ना हमारा ये मेरा फेवरेट माइंड मैप है क्योंकि इस माइंड मैप की हेल्प से एक पूरा चैप्टर कवर किया जा सकता है इसीलिए ये सबसे प्यारा माइंड मैप मुझे यहाँ पे लगता है और ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का माइंड मैप है ठीक है अब यहाँ पे इस चीज को देखो ऑर्गेनिजम्स को ध्यान से देखना बच्चा अगले पांच मिनट तक ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने दो पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड किया मैंने बताया था विट ने सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिवाइड किया था यहाँ पे ठीक है अब और यूकैरियोटिक यानी कि जो सबसे कैरियोटिक है जिनके पास में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो वहां पे हमारा मोनेरा आता है मोनेरा हो गया यानी कि जिसमें बैक्टीरिया आते हैं जो सबसे प्रिमेटिव हो गया ठीक है तो मोनेरा ठीक है हम लोगों ने इसको हटा दिया अब यू की बात करें तो यू में हमारे पास में आ जाते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर कैरेटिक यूनिसेल्युलर भी हो सकता है मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है यूनिसेल्यूलर में आता है प्रोटेस्टा मैम प्रोटेस्ट क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे ठीक है मल्टी सेल्युलर में क्या उनके पास वॉल है क्या उनके पास सेल वॉल नहीं है अगर सेल वॉल नहीं है तो हमें पता है कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती और अगर सेल वॉल है तो क्या वो खुद से खाना बना रहे हैं या फिर किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं खुद से खाना बना रहे हैं तो प्लांट किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो फन जाए और ये ही उनके सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है ठीक है अब मैं दोबारा इसको बना रही हूँ जिससे तुम लोगों को रिवाइज हो खुद से यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ देखो बच्चा किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे वो है या तो प्रो कैरियोटिक होगा या तो कोई यू कैरियोटिक होगा प्रो कैरियो हो गया प्रिमेटिव में आ जाता है सबसे प्रिमेटिव आ जाएगा हमारा मोनेरा और मोनेरा के अंदर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे कि बैक्टीरिया सबसे प्रिमेटिव हो जाएगा यू कैरियोटिक में हमारे पास में आ जाते हैं या तो यूनि होगा कोई या तो मल्टी सेल्युलर होगा है ना अब अगर यूनिसेलुलर में है तो सिर्फ एक ही यहाँ पे आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टा ठीक है तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि प्रोटेस्टा के फीचर्स क्या क्या हैं तो तुम क्या बताओगे प्रोटेस्टा मैम यूनिसेल्युलर होता है और यू होता है खत्म इतना ही है यूनिसेल्युलर यू कैरियोटिक खत्म हो जाती है बात ठीक है अब अगर मल्टी सेलुलर हो रहा है तो क्या उसके पास में वॉल है क्या उसके पास में सेल वॉल है हाँ है अच्छा ठीक है क्या वो खुद से खाना बना रहा है क्या वो ऑटोट्रॉफिक है हाँ है तो क्या हो जाएगा प्लांट्स हो जाएंगे ठीक है क्या वो खुद से खाना नहीं बना पा रहा तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में कौन आ जाएगा आपका फंगस आ जाएगा क्योंकि फंगस के पास भी तो क्या था सेलवॉल थी फंगस की सेलवॉल किस चीज की बनी थी फटाफट से मुझे ये बताओ ये सारे नाम मेरी लाइफ के विलन नहीं है इनको अपनी लाइफ का हीरोइन बनाओ बच्चे हीरोनाटाफट से बताओ फंगस का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है काइटन का बना हुआ होता है रिवाइज कर लेते हैं वापस फंगस का काइटन का बैक्टीरिया का, का पेप्टिडोग्लाइकन का और जो प्लांट्स हैं उनका सेल्लोज का बना हुआ होता है ठीक है अब सेल वॉल अगर इनके पास में मौजूद नहीं है तो सिंपल सा सेल वॉल किसके पास में नहीं होती, के पास में नहीं होती है बस यहाँ पे खत्म हो गया ये माइंड मैप हम लोगों को अभी देखना कैसे काम आने वाला है ये माइंड मैप सब लोगों को अभी थोड़ा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है सबसे पहले तो ये बताओ क्योंकि यही हम लोगों को काम आने वाला है देखना कितना आसान हो जाता है ये चैप्टर देखना अभी क्लियर है ये सबसे पहले ये बताओ यस सेलुलोज प्लांट काइटिन बन जाए क्लियर परफेक्ट चलो देखो सबसे पहले आ जाता है मोनेरा ठीक है मोनेरा में हम लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी थी कि ये प्रो कैरियोट्स होते हैं सबसे प्रिमेटिव होते हैं तो देखना एक एक पॉइंट नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स और अरे मैम पता है यार प्रो कैरियोट्स में तो यही होता है यूनिसेलुलर होगा प्रो कैरियोट्स यूनिसेलुलर ही होते हैं मल्टी सेलुलर कहीं नहीं होते ठीक है, है तो ये हमेशा यूनिसेलुलर होगा याद रखना माइट हैव अ सेल वॉल एंड सम माइट नॉट सेल वॉल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है हेटरोट्रोफिक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं सिंपल सी बात है ठीक है एग्जाम्पल्स में क्या आएगा साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एलगी भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया एनाबीना का नाम एनसीआरटी में दिया हुआ है डायग्राम के साथ में इसीलिए यहां पे मेंशन है तो ये चीजें बैक्टीरिया और एनाबीना इसका एग्जांपल हो जाते हैं मोनेरा किंगडम ही खत्म हो गया यहां पे किंगडम ही खत्म हो गया है यहाँ पे मोनेरा कुछ नहीं है प्रोकैरियोट्स हैं यूनिसेलुलर होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में होता नहीं है बाकी सारे अपने मन से लिख दो कि हाइड्रोट्रोफिक आउट्रोफिक कुछ भी हो सकता है क्योंकि मेंशन नहीं है सेल वॉल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है क्योंकि मैंशन नहीं है खत्म स्वाहा ठीक है चलो मोनेरा यहाँ पे हो गया अब देखो Protista की बात करें तो माइंड मैप देखो वापस क्या है है चलो ठीक है अब देखो प्रोटेस्टा पहला ही पॉइंट यूनिसेलर यू कैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है हाइड्रोट्रॉफिक भी हो सकता है क्योंकि मेंशन नहीं है खत्म हो गया यहाँ पे यहाँ पे चीज ही खत्म हो जाती है हमारी ये चीज क्लियर है इज थिंग क्लियर है है यहाँ पे प्रोटेस्टा हमारा खत्म हो जाता है एग्जाम्पल्स बहुत ही हम लोगों को अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ रखे हैं अमीबा और पैराम अमीबा और Paramishim हम लोगों ने होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था और उसके बाद में एक युगलीना भी यहाँ पे आ जाता है बात आती है कि यहाँ पे लोकोमोशन कैसे हो रहा है लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट इन लोगों का कैसे हो रहा है ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है अमीबा के पास में क्या होते हैं सुडोपो

लिया एन पैरामिशियम और इन फ्लेजुलना ये तीनों चीजें हैं तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं रिवाइज करते हुए जाते हैं जिससे याद रहेगा एक तो हम लोगों ने मोनेरा पढ़ा और एक हम लोगों ने प्रोटेस्टा पढ़ा ठीक है अब इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ मोनेरा हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा था प्रोकैरियोटिक के अंदर पढ़ा था और प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होता है ठीक है और ये हम लोगों ने पढ़ा यू के अंदर और यू में भी ये हम लोगों ने पढ़ा यूनिसेल्युलर के अंदर टा क्लियर ठीक है ये चीज क्लियर है सब लोगों को एग्जाम्पल्स मोनेरा के बैक्टीरिया हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा एनाबीना हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा ठीक है और प्रोटेस्टा में क्या हो जाएंगे अमीबा पैरामिशियम युगलिना अमीबा कैसे मूव करता है तो डोपोडिया की मदद से पैरामिशियम कैसे मूव करता है सीलिया की मदद से युगलिना कैसे मूव करता है फ्लेजिला की मदद से क्लियर चीज क्लियर है ये फरावर से बता दीजिए बाइनरी फिजन में आया था शब्बाश बहुत बढ़िया पैरामिशियम हम लोगों ने बाइनरी फिजन के अंदर देखा था क्लियर है ये तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अब हम बात करते हैं फंगस की ठीक है फंगस में अगर हम लोग यहां पे देखें वापस माइंड मैप देखो तो देखो फंगस कहाँ पे आया यहाँ पे आया क्या होता है फंगस हेट्रोट्रोफिक होता है जिसके पास सेलवोल होता है जो मल्टी सेलर यू लिया हम लोगों ने अब यही वहां पे लिखा हुआ है यार और कुछ भी नहीं है क्या ही है यू कैरोटिक होता है ठीक है मल्टी सेलुलर होता है ठीक है सेलवोल होती है काइटिन की बनी होती है ठीक है हेट्रोट्रोफिक होता है ठीक है सैप्रोफिटिक होता है यानी कि ये एक्सटर्नल डाइजेशन करता है पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है अब ये जो पॉइंट्स हैं से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमें पहले से ना पता हो अब यहां पे बात आती है बच्चा, की। ठीक है लाइकिन का मतलब क्या होता है लाइकिन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक का मतलब जहां पे दो तरफा प्यार है एक तरफा प्यार नहीं है ठीक है दो तरफा प्यार किस किसके बीच में है ब्लू ग्रीन एलगी यानी कि हमारा साइनोबैक्टीरियम मोनेरा आ गया और फंगस के बीच में जो सिंबायोटिक दो तरफा प्यार है यहां पे उसको बोला जाता है लाइकिन और लाइकिन को हम लोग एक पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जहां पे भी पोल्यूशन होता है यूजली एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन वहां पे हम लोगों को लाइक देखने को नहीं मिलते और लाइकिन किस कलर का होता है पर्पल कलर का होता है और इसी से हमारा लिटमस पेपर बन रहा होता है लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा है ना केमिस्ट्री में एसिडिक मीडियम में रेड होता है, किस का बना हुआ है? का बना हुआ है और इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है लिटमस पेपर का पर्पल होता है क्योंकि लाइकिन का कलर पर्पल होता है और लाइकिन दो तरफा प्यार है किस, -किस के बीच में मोनेरा और फंगस के बीच में ठीक है ये चीज हम लोगों को याद होनी चाहिए एग्जाम्पल क्या है फंगस के एसपोजिलिस पेनिसिलिन, पैलेन क्या है एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया था अग्निक मशरूम ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ठीक है देखो अलग अलग टाइप के मशरूम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं फंगस का नाम आते ही हम लोग सबसे पहले मशरूम सोच रहे होते हैं ये आप मुझे बताइए कि फंगस किस प्रकार का ए रिप्रोडक्शन शो करते हैं फटाफट से बताइए किस क्लास की एनसीआर टी की एनसीआर टी में मैंशन है ये इलेवंथ की एनसीआर टी का चैप्टर है क्लासिफिकेशन वहां पे आपको प्लांट किंगडम भी मिल जाएगा एनिमल किंगडम भी मिल जाएगा एज नाइगर हाँ इसका पूरा नाम हो जाएगा वो फटाफट से बताइए किस प्रकार का ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को फंगस में देखने को मिला था स्पोर फॉर्मेशन बहुत बढ़िया ये भी आप लोगों को याद है चलो नाइस फंगस भी यहां पे पढ़ लिया अब बात आती है प्लांटिक की तो भैया प्लांट्स को एक्सप्लेन करो तो हम तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लांट्स को यू कैरेटिक होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं सेलवोल सेलुलोज की बनी है ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्लोरोफिल होता है अरे सब पता है भाई क्या नहीं है इसमें ऐसा जो हमें पता ना हो क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को प्लांटी तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है और एनिमेलिया तो चलो खैर छोड़ी दो तो उसकी बात वो तो हम लोगों को पता ही है मल्टी सेलर यू क्या हेड्रोट्रोफिक सेल वॉल नहीं होती उसमें बस खत्म यहाँ पे ठीक है तो ये हमारे पांचों किंगडम यहाँ पे हो जाते हैं डिटेल में हम लोगों को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को यहाँ पे पढ़ना है तो आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक चीज तुम लोगों को बताऊंगी उसके बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर वहीं सफा हो जाएगा दिमाग से सफा नहीं डाउट सफा हो जाएंगे ठीक है सब कुछ समझ में आया परफेक्ट है परफेक्ट है अब मुझे ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज न्यूक्लियोइड राइबोजोम्स एंड इज मल्टी ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोट्स, सॉरी मोनेरा। ऑप्शन नंबर बी प्रोटेस्टर ऑप्शन नंबर सी फंजाय। या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अब जवाब दीजिए इसका थर्टी सेकेंड्स का टाइमर है उम्मीद है तुम लोगों से मुझे बहुत ही बढ़िया शब्बाश नाइस एवं थोड़ी ना फेवरेट बैच बोलते हैं अब गलती नहीं करते बच्चे कभी पहले फंस जाया करते थे जाल में अब नहीं फंसते ओके बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सही में सत्तर परसेंट से ऊपर चला गया ना तुम लोगों का सही आंसर तो हमें बहुत खुशी हो जाएगी यार दिल से बताओ देखो चलो देखते हैं पोल यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया है करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सेवेंटी थ्री परसेंट हाई कितने प्यारे बच्चे बताओ व्यू लीडर लीड वोट तो सबसे फास्ट आंसर राहुल शैलेंद्र अक्षय विनिमेश और मेहुल ने दिया है बहुत बढ़िया आंसर जाएगा नन ऑफ द अब क्यों क्योंकि प्रो कैरियट कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकते और अगर यहाँ पे मल्टी सेलुलर नहीं होता तो आंसर क्या होता हमारा मोनेरा हो जाता क्योंकि न्यूक्लियोइड हम लोगों को प्रो में देखने को मिलता है अरे तुम लोग क्या पिज्जा पार्टी जैसी छोटी बात करो सिलेक्शन लेकर आओ हम तुम्हें दिल्ली बुला के सबसे बड़ी पार्टी देंगे तुम्हारा टेंशन लो ठीक है चलो आई होप ये चीज़ सब लोगों को क्लियर होगी किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं एक और क्वेश्चन करोगे मैम हाउ टू लर्न फाइलम एन एनिमिलिया किंगडम रुको जरा सबर करो ये याद कराया है ना वो भी याद करा देंगे बिल्कुल समझ में आ जाता है मुझे चलो so, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करें देखते हैं विच किंगडम Has organisms with a cell wall and external digestion as a mode of nutrition. Hai. Option number A Plants B. पंजाय, सी एनिमेलिया डी प्रोटेस्टा जवाब दीजिए थर्टी सेकेंड्स का टाइमर भी अब आप लोगों के लिए ज्यादा ही हो रहा है जवाब दीजिए सारे ऑप्शन देखने के पहले ही आंसर दे दिया ये तो बहुत ही आसान है यानी कि ये पांच किंगडम्स तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए हैं बढ़िया तो यहाँ पे पोल को जल्दी स्टॉप कर सकते हैं क्या पंद्रह सेकेंड्स में ही चलो स्टॉप द पोल आंसर जाएगा बी करेक्ट आंसर एट्टी फाइव परसेंट बच्चे वाह शैलेंद्र मेहुल राहुल अक्षत और विनिमेश चलो इन्हीं बच्चों के नाम आ रहे लास्ट टाइम यही पांच बच्चे थे चलो करेक्ट आंसर क्या जाएगा फंगस जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल डाइजेशन आते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये सैप्रोफाइट्स हैं और सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं मल्टी अ यू वॉल विद इज मेड अप ऑफ काइटिन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन animals option number a carbohydrate option number b cellulose option number c cholesterol option number d none sorry all of the above all are present जवाब दीजिए थर्टी सेकेंड्स का टाइमर ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स ये भी सब लोगों को क्लियर होगा सेल चैप्टर का ये क्वेश्चन यहां पे आता है आपके सामने नाइस nice. बढ़िया स्टॉप कर रहे हैं पोल को आंसर जाएगा बी शो द रिजल्ट्स 85.93 बढ़िया राहुल अक्षत विनिमेश आर एफ और मेहुल नाइस तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा जाता है सेल्यूलोज क्योंकि सेल्यूलोस प्लांट्स में मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें या कोलेस्ट्रॉल की हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं लिपिड्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब हम बात करने वाले हैं किंगडम प्लांटी के बारे में प्लांट्स के बारे में ठीक है अब जो आप लोगों को मैं चीज बताने वाली हूं वो चीज आप लोगों को पूरे प्लांट किंगडम को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है तो देखो प्लांट किंगडम के बाद में पूछेंगे अब क्वेश्चन ठीक है <laughs> प्लांट किंगडम के बाद में ऐसे खून लग जाता तुम्हारे मुंह पे क्वेश्चन का देखो अब हम लोग एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन में जाते हैं ना तब हम लोग एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं मैम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए जब चीज़ समझ में आ जाती है ना तब डिफ़िकल्ट भी हमारे लिए आसान हो जाता है किसी और बच्चे से जाके पूछो जिसने माइंड मैप्स नहीं देखे हो कन्फ्यूज हो जाएगा वो कि ये क्या क्या फीचर्स दे दिए कौन सा किंगडम हमें क्या पता पता है तुम्हें क्योंकि तुम्हारे लिए अब आसान हो गया है ठीक है चलो अब देखो प्लांट्स में हम लोग एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं अब एडवांसमेंट की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऐसा देखना है जो बहुत ही एकदम प्रेमेटिव है बहुत प्रेमेटिव प्लांट का मतलब क्या है उसमें कुछ भी नहीं है थाली जैसा रखा हुआ है ना उसके पास प्रॉपर रूट है ना प्रॉपर लीव है ना प्रॉपर स्टेम है कुछ भी नहीं है थाली जैसा उसका स्ट्रक्चर है इसीलिए उसको बोला जाता है थैलोफाइटा थैलोफाइटा का मतलब क्या है कि इसके पास नो रूट्स No stems, no leaves, कुछ भी तो नहीं है इसके पास में सबसे प्रिमेटिव ये हो जाएगा हमारा ठीक है सबसे सबसे प्रिमेटिव ठीक है अब देखो अब हमने सोचा कि भैया थोड़ा सा हम एडवांसमेंट की तरफ जाएं, तो हम थोड़ा एडवांस की तरफ गए हम लेकर आए भैया ब्रायोफाइटा अब इसमें एडवांसमेंट क्या हुआ एडवांसमेंट ये हुआ कि थोड़े रूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हम लेकर आ गए कि उसके जैसे स्ट्रक्चर्स एकदम परफेक्ट भी नहीं लेकर आए हम ठीक है लेकिन उसके जैसे स्ट्रक्चर्स हम लेकर आ गए तो हम लोग बोल देते हैं कि रूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं या हम लोग जिनको बोलते हैं राइजोइड्स रूट लाइक जो होते हैं हम उनको राइजोइड्स बोलते हैं ठीक है ये हो गया अब हमने बोला और थोड़े एडवांसमेंट की तरफ ले चलो और थोड़ा एडवांसमेंट का मतलब हो जाता है हमारा टेरिडो फाइटा टेरिडो फाइटा ये नाम मिसाइल के नाम नहीं है किंगडम प्लांटी के अंदर के नाम है ये ठीक है याद हो जाएंगे बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे हमें ठीक है अब हम टेरिडोफाइटा की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को और फर्दर एडवांसमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे प्रॉपर रूट लीफ वगैरह हमारे पास में सब कुछ आ गया है और यहाँ पे अब एक नई चीज जो हमारे पास में आई है वो है वैस्कुलर स्ट्रक्चर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर है क्या होता है बेटा वही है वैस्कुलर स्ट्रक्चर हमारे जाइलम और फ्लोयम जिनकी मदद से एक चीज दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो सकती है वो चीज हमारी टेरिडोफाइट्स में आ जाती है तो यानी कि और एडवांसमेंट हो गया हमने बोला नहीं नहीं इतने से भी काम नहीं चल रहा हमें तो और एडवांसमेंट चाहिए तो अब हम आ गए जिम्नोस्पर्म्स की तरफ अब हमने बोला कि अब हमारे पास में सीड्स भी आ गए सीड्स आ गए भैया लेकिन इनके ऊपर कवरिंग नहीं है विद नो कवरिंग या फिर हम इनको नेकेड सीड्स भी बोल सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले रूट लीव स्टेम कुछ भी नहीं था फिर वो आए फिर वेस्क्यूर स्ट्रक्चर आया फिर सीड्स आ गए तो मैम सीड अगर नहीं थे तो वो कैसे फिर आगे बढ़ रही थी उनकी स्पीशीज बेटा स्पोर्स की मदद से स्पोर्स की मदद से आगे बढ़ रही थी ठीक है अब हमने बोला कि नहीं हमें तो अब फाइनल चाहिए हमें तो अब और भी एडवांसमेंट चाहिए तो अब हमारा फाइनल आ जाता है एनजीओ स्पर्म्स और इसमें क्या कमी थी जमनो स्पर्म में जिसको एडवांस करने की जरूरत थी सीड्स के ऊपर यहाँ कवरिंग नहीं थी यहाँ पे कवर्ड सीड्स आ गए और कवर्ड सीड का मतलब हो जाता है फ्लार यहाँ पे आ गया यानी कि यहाँ पे कवर्ड सीड्स का मतलब है हो गया कि ये हमारे हो जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और यही चीज अगर आपको ये वाला स्लाइड याद है ना तो प्लांट किंगडम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है इज दिस थिंग क्लियर ये क्लियर है सब लोगों को एडवांस होते होते नहीं बेटा ओढ़ेगा ही नहीं मैक्सिमम यहाँ पे फ्लावर आ जाता है कोई भी हम लोग प्लांट की जब बचपन में ड्रॉइंग बनाते थे सिक्स सेवन्थ क्लास में तब हम लोग सबसे एडवांस प्लांट बनाते थे दो तीन फूल लगा देते थे, थे, थे उसमें मैं तो अलग अलग कलर के फूल लगा देती थी रेड येलो ग्रीन सब ठीक है ये चीज क्लियर है याद हो गया परफेक्ट है आगे बढ़े ठीक है क्या क्या एडवांसमेंट हुआ इस तरह से हमें याद रखना है सबसे पहले कुछ भी नहीं है थाली जैसा स्ट्रक्चर फिर धीरे धीरे रूट और लीफ आई फिर हमने बोला और एडवांसमेंट वैस्कुलर स्ट्रक्चर ले लो यार और एडवांसमेंट अरे सीड ले लो भाई लेकिन और एडवांसमेंट सीड के ऊपर लो गिफ्ट ट्रैपिंग भी कर देते हैं कवर भी चढ़ा देते हैं खत्म ठीक है परफेक्ट अरे एग्जांपल्स रुको जरा सबर करो सब पढ़ेंगे ये तो मैंने सिर्फ एक माइंड मैप बनाया है ये तो ट्रेलर है भाई चलो देखते हैं सबसे पहले क्या आ जाता है थैलोफाइट्स आ जाते हैं यहां पे नो वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी इंटू ये आर एस एल क्या है मैम रूट है भाई रूट स्टेम और लीव्स वो नो वेल डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर हम लोगों को प्रॉपर यहां पे स्ट्रक्चर देखने को ही नहीं मिला है ठीक है ये कौन है पता है ये बेसिकली हमारे एलगी हैं जो भी एलगी होता है ना वो इसके अंदर आता है वो जो ब्लू ग्रीन एलगी पढ़ा था ना तुमने वो एक्चुअल में एलगी नहीं था वो बैक्टीरिया ही था साइनो बैक्टीरिया ही था वो ठीक है वो एलगी नहीं था ये है रियल एल गी एलगी के पास में जब काई जमी हुई होती है काई प्लांटी के अंदर आती है लेकिन काई में तुम लोगों को रूट सेम लीव देखने को मिलता है क्या नहीं ना वो तो ग्रीन ग्रीन कलर की ऐसी थाली जैसे फैली हुई होती है तो एलगी यहाँ पे हम लोगों के आती है ओके अब दीज आर प्री डोमिनेंटली एक्वेटिक काई हम लोगों को मेजरली कहा देखने को मिलती है पानी में देखने को मिलती है तो दीज आर प्री डोमिनेंटली एक्वेटिक एग्जाम्पल की बात करें तो स्पायरोगायरा स्पायरोगायरा हम लोगों ने दो जगह देख लिया अब एक तो फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन एक एंटोनोन ल्यूवन डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल पॉन्ड में याद है ना उसके बाद में यूलाथ्रिक्स क्लाडोफोरा अल्वा कारा कैसे याद होंगे मैम नाम बार बार इनके थ्रू जब जाओगे एक बार रखने बैठोगे तो नहीं याद होने वाला बार बार जब इसके थ्रू जाओगे तब तुम लोगों को याद हो जाएगा यू लॉथ्रिक्स काला कारा अलवा सब याद हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला पाइलम कौन सा हो गया है थैलोफाइटा ठीक है अब देखो अब आ जाता है हमारे पास में ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है क्यों जाना जाता है एम्फीबियन के तौर पे क्योंकि इसको रहने के लिए सोइल चाहिए लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है लैंड और वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है इसको अपने पूरे लाइफ साइकिल को चलाने में इसलिए इसी को एम्फीबियन बोला जाता है बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में क्या जरूरत होती है वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड सॉइल फॉर लिविंग ठीक है इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है और इसकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है स्टेम और लीव लाइक स्ट्रक्चर ठीक है और यहां पे कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है कंडक्शन वाटर के लिए अब यही स्पेसिफिकेशन हम लोग लेकर आएंगे किसमें टेरिडोफाइटा में, में लेकर आएंगे वही चीज मेंशन है वही है कि नहीं है कोई नया पॉइंट आया क्या भाई बताओ यहाँ पे कोई नया पॉइंट आया वही की वही है माइंड मैप से ही उतर गई ये चीज समझ में आया फटाफट से बताओ राइजोइड्स यस यहाँ पे लिख देते हैं रूट्स आर प्रेजेंट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं राइजोइड्स हम लोग उनको यहाँ पे बोलेंगे ठीक है माइंड मैप से क्लियर हो गई ये चीज हम लोगों को कि नहीं हुई है मदद किया उसने हम लोगों को थोड़ा बहुत भी यहां पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो भाई बोलते क्यों नहीं अरे बोलो चलो बढ़िया ओके आगे बढ़े चीज याद होनी जानी चाहिए हमें साथ साथ में ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स देखो अब तो तुम लोगों को रिक्शिया मार्क्यांशिया फ्यूनेरिया ये तीनों एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं एग्जाम में रिक्शिया मार्कशिया और फ्यूनेरिया ये हमारे तीन हैं जो ब्रायोफाइटा के अंदर यहां पे आते हैं ठीक है ओके अब आगे बढ़ते अब आ जाता है हमारा एक और एडवांसमेंट और यहाँ पे एडवांसमेंट आया है कि यहाँ पे हमारे पास में वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे क्या बोले कि समझ में आया कि नहीं क्या कर रहे हो रे देखो अब टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडीज डिफरेंशिएटेड इन टू स्टेम्स एंड लीव्स ठीक है एंड हैज अ स्पेशलाइज टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सांसिस बस इतना ही लिखा हुआ है क्योंकि इतना ही आएगा अब इसमें आ जाता है मार्सीलिया और फर्न आपसे पूछा जाएगा फर्न किसके अंदर आएंगे इसके अंदर आएंगे ठीक है तो ये आएगा आपका मार्सीलिया और फर्न बेटे यहां पे आएगा यहां पे आएगा ये ठीक है ओके कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है अरे बेटा देखो जरा जो बच्चे मॉसेस पूछ रहे हैं वो याद रखें कि मॉसेस और फोर्न साथ में बोलते हैं लेकिन वो साथ में आते नहीं है फोर्न टेरिडो के अंदर आता है और मॉसेस यहाँ पे आते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर ठीक है यहाँ पे आते हैं अरे यही है मैम कहीं नहीं गई है पानी पीने गई थी ठीक है आर एस एल लाइक इन ब्रायोफाइटा

तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीज़ों को पढ़ लिया है दोबारा रिवाइज़ करते हैं सबसे पहले आ जाता है हमारा क्विकली रिवाइज करेंगे एकदम सबसे पहले आ जाता है हमारा थैलोफाइटर जिसके पास में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं है थोड़ा एडवांसमेंट करो यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे ठीक है थोड़ा और एडवांसमेंट करो यानी कि वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमारे आ गए अब ये तो हमारा हो गया अब इन तीनों के पास में क्या सीड्स मौजूद हैं सीड्स मौजूद इनके पास में नहीं है नहीं है सीड्स मौजूद इसीलिए इनको बोला जाता है क्रिप्टो गैम्स क्या बोला जाता है क्रिप्टो गैम्स अब क्रिप्टो गैम्स का मतलब क्या है क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैम्स का मतलब होता है गैम ठीक है जिनके पास में हिडन गैमिट्स होते हैं सीड के फॉर्म में नहीं होते हैं उनको बोला जाता है क्रिप्टो क्लियर तो इनको बोला जाता है क्रिप्टो जो आगे हमारे पास में आने वाले हैं यानी कि अब टेरिटोफाइटा से एडवांसमेंट जो होगा सबसे पहले जिम्नो और उसके बाद में एनजीओ में उन दोनों के पास में सीड्स मौजूद होने वाले हैं इसीलिए इन दोनों को हम बोलेंगे फैनेरो -games. जिनके पास सीड्स नहीं हैं हिडन गैमीट्स हैं उनको क्रिप्टो बाकी जो एडवांसमेंट्स आने वाले हैं जिम्नो और स्पर्म्स में उनको हम गैम्स यहां पे बोलने वाले हैं ये चीज समझ में आनी चाहिए ठीक है अब देखो बच्चा बायोलॉजी इज इंटरेस्टिंग बस यही सुनने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ ये बस तुम लोग इतना से एक बार बोल दो कि बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है और वही मेरी सारी मेहनत सफल हो जाती है बच्चा सब कुछ इतनी खुशी इतनी खुशी यही हो जाता है चलो अब देखो क्रिप्टोग है जहां पे दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है यहाँ पे बहुत इनकॉन्स हैं यानी कि हिडन होते हैं इनको क्रिप्टोग बोला जाता है और वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव अगर टिश्यूज हैं यानी कि सीड्स प्रॉपरली बन रहे हैं तो उनको बोला जाता है फेनरोग्स क्रिप्टो का मतलब हाँ हिडन होता है बच्चा ठीक है हिडन होता है क्रिप्टो करेंसी हाँ हिडन करेंसी डेफिनेटली वहां पे आ जाता है ओके okay, तो यहां है ये चीज क्लियर होनी चाहिए क्रिप्टो यानी कि हिडन एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स एक क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट ओव्यू लार्जेस्ट ट्री कहां देखने को मिलता है हम लोगों को वो हमें देखने को मिलता है यहां जिम्नोस्पर्म्स में यहाँ पे नेकेड सीड्स मौजूद होते हैं सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती है यूजली पेरेनियल होते हैं ये ठीक है एवरग्रीन होते हैं ये वुडी होते हैं मोस्टली वुडी हम लोगों को देखने को मिलते हैं पाइन हो गया दिदर हो गया साइकस हो गया ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं साइकस की बात करें या पाइनस की बात करें तो जैसे कि एक बच्चे ने बोला था अभी डॉक्टर प्लांट वाली स्टोरी तो मेरे घर में साइकस लगा हुआ है तो अब साइकिस मम्मी ने तो डेकोरेशन के लिए लगा रखा है लेकिन छोटी थी जब मैं अभी भी छोटी हूँ ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई लेकिन जब कोई भी हमारे घर में कोई भी चीज़ होती है छोटे बच्चों के पास में कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको ऐसा होता है ना एकदम से जिज्ञासा जागती है हम उसके पास में जाते हैं साइकस की जो पत्तियाँ हैं वो इस हिसाब अदाप से इस हिसाब से अडाप्टेड होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं तो तीखी वो इतनी तो तेज़ चुभती थी ना उसके पास जाते थे तो उसको ना ऐसा बोलते थे कि इंजेक्शन लगवाने वाला मम्मी को भी पसंद नहीं था कि मैं उसको जाके छेड़ूँ तो मम्मी बोलती थी वो इंजेक्शन लगा देगा इसीलिए उसके पास में जाना नहीं है क्योंकि मम्मी ने बहुत प्यार से बनाया था और मैं हर चीज़ को तोड़ती फोड़ती रहती थी तो मम्मी ने उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे डॉक्टर प्लांट का नाम दे दिया था कि उसके पास में जाओगे तो भैया इंजेक्शन लगाएगा तो ये साइकस की स्टोरी थी हमारी बहुत चीज़ें तोड़ी हैं मैंने बचपन में मतलब जब मेरा भाई हुआ था मेरे से सात साल छोटा है वो तब लिटरली चम्मच से उसका सर बजाती थी मैं ऐसे टन 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 करके अभी बहुत बुरा लगता है क्योंकि बच्चों के जो सर की हड्डी होती है ना वो बहुत नाजुक होती है हड्डियों के बीच में गैप होते हैं जिनको फॉन्टेनल्स बोलते हैं ठीक है, है? जिससे बच्चे के दिमाग को सर को बढ़ने के लिए थोड़ी जगह मिले इसीलिए बोलते ना कि बच्चों का सर थोड़ा संभाल के रखा करो और मैं उसी पर टन 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 बजाती थी बहुत शैतान हुआ करती थी अभी भी हूँ पर फिर भी चलो जिम्नोस्पर्म समझ में आ गया तो अब हम लोग एनजीओ स्पर्म्स यानी सबसे ज्यादा एडवांस्ड प्लांट के बारे में बात करते हैं ठीक है चलो वाह दीदी वाह थैंक्स यू अब देखो अरे भाई पढ़ लो बहुत ज्यादा अरे बहुत देवदार हो गया पाइन हो गया साइकस हो गया हाँ बच अरे बिल्कुल बचा हुआ है उनमें जान बचती है मेरे भाई में चलो एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ये कवर्ड होते हैं सीड्स उनके कवर्ड होते हैं इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एडवांस होते हैं और सिंस हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं क्या देखी हैं कि यहाँ पे जो फ्लावर होता है फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर सीड बनता है यानी कि ओवरी के अंदर सीड राइट कवरिंग सीड के ऊपर रहती है ओवरी वाली कवरिंग वो सिर्फ हम लोगों को एनजी में देखने को मिलती है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारा आ जाता है एन

किसी किसी का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता होता है, स्लाइमी होता है स्लाइमी और किसी का बहुत हार्ड होता है और ये हम लोगों को उनको स्टेन करने से पता चलता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हम उनकी स्टेनिंग को बोलते हैं ग्राम जो मेथड होता है ना वो स्टेनिंग मेथड होता है वो होता है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया ठीक है ओवरी शाबाश ओवरी होता है जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है ओव्यूल मत बोलना ध्यान से बड़ा करो क्वेश्चन ओव्यूल नहीं बच्चा ओवरी सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट तो वो ऑर्गन कौन सा है ऑर्गन तो ओवरी हुआ ना बच्चों ठीक है ध्यान से देखो इसको उसके बाद में आल्सो नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है प्लांट हमने ये भी देखा था मोनोकॉर्ड्स एंड डायकोड्स होते हैं यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ऐसा था कि अगर किसी सीड को भी ऐसे ओपन करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दो कोटाइलिडन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे एंडोस्पर्म का स्टोरेज होता है जहाँ पे पूरा नरिशमेंट होता है राइट right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दो कोटाइलेडन अगर यहाँ पे मौजूद है फॉर so, एग्जाम्पल अगर मैं चने की बात करूं तो चने को अपन दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कर सकते हैं बिल्कुल तो वो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डायकोट जिसके पास में इस प्रकार से दो कोटाइलेडन मौजूद होते हैं लेकिन अगर किसी के पास में भी सिर्फ एक ही कोटाइलिडन है जिसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता उनको बोला जाता है मोनोकॉट्स और इनको पहचाने कैसे कि कोई डायकोट है कि मोनोकोट है तो पहचाना जाता है उनकी पत्तियों से ठीक है ये जो पत्ती है ये हम, हमको सिर्फ में देखने को मिलती है और इस पत्ती को बोला जाता है पैरेलल विनेशन विनेशन का मतलब कि वेन्स किस तरह से इनमें भाग रही है इसमें इस तरह से पैरल ही भागती अगर आप इनको पास से देखोगे तो आपको इस तरह से पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगा क्या बोला जाता है इसको पैरेलल विनेशन विनेशन यानी कि वेन्स यानी कि जो पानी खाना ले जा रही है वैस्कुलर स्ट्रक्चर और ये जो यहां पे जाली जैसा फैला हुआ है ये एक निकला हुआ है इसमें से ऐसा 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 जाली जैसा फैला हुआ है अब जाली जैसे फैलने को हम लोग बोलते हैं रेटिक्यूलेट विनेशन रेटिक्यूलेट विनेशन इसको बोला जाता है और ये हम लोगों को देखने को मिलता है डायकॉर्ड्स में और ये दोनों मोनोकॉर्ड्स और डायकॉर्ड्स हम लोगों को एनजीओ स्पर्म्स में देखने को मिलते हैं हाँ एलोवेरा हो गया एलोवेरा हो गया तो वो किस में आ जाएगा आपका आप लोगों को समझ में आना चाहिए ठीक है क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को एनजीओ भी हम लोगों ने यहां पे पढ़ लिया है तो एक ऐसा माइंड मैप अब यहां पे आ रहा है जो कि हम लोगों के उस माइंड मैप से सिमिलर नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ठीक है अब इस माइंड मैप को समझने की कोशिश कर ली जाए सबसे पहले प्लांट्स जिसके पास में डिफरेंशियटेड प्लांट बॉडी नहीं है डिफरेंशियटेड यानी कि रूट में स्टेम्स में लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है थेगी ठीक है अब डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी अगर है तो वैस्कुलर टिश्यू नहीं है टिश्यू नहीं है तो ब्रायोफाइट ब्रायफाइट टिश्यू अगर है तो क्या वो सीड बना रहा है नहीं बना रहा टेरिडोफाइट अगर बना रहा है तो क्या सीड पे कवरिंग है नहीं है तो जिम्नोस्पर्म अगर है तो एनजियोस्पम वही है थोड़ा अलग फॉर्म में है इज दिस क्लियर अनियन आएगा क्या आप देखो अनियन की पत्तियां कैसी होती हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा और एनजीओ स्पर्म्स में अगर दो कोटा हैं तो डायकोट अगर सिंगल कोटाइलिडन है तो मोनोकोट और मुझे नहीं लगता कि इस माइंड मैप में अब आपको कोई भी दिक्कत होगी क्या ये माइंड मैप आप खुद से बना सकते हैं किंगडम प्लांटी आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है बेटा जो कि एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को याद ही नहीं होता वो बोलते हैं क्या ब्रायोफाइटा है, कहाँ से टेरिडोफाइटा कौन सा जिम्नोस्पर्म कौन सा एनजीओ लेकिन अब तुम लोगों को पता है अगर मैं कोई भी कैरेक्टर लिखूंगी तो तुम लोगों को यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा बनाना ट्री की पत्ती देखो बच्चा पत्ती क्यों बताया मैंने मोनोकोट और डाईकोड को कैसे पता कर सकते हो जैसे तुम लोग मुझसे ना पूछो जैसे तुम खुद से अपने आप पता करो ठीक है बना दीजिए माइंड मैप मैप बन जाएगा ऐसा करते हैं माइंड मैप बनाते हैं उसमें एग्जांपल्स भी लिख देते हैं क्या बोलते हो खुद का बनाए माइंड मैप खुद का बनाते हैं माइंड मैप सब समझ में आएगा अपने तरीके से बनाते हैं ठीक है अपने तरीके से बनाएंगे माइंड मैप सबसे पहले आता है थैलोफाइटा ठीक है थैलोफाइटा कैसा है थाली जैसा यहां पे मैं लिख देती हूं ठीक है थाली जैसा यानी कि नो रूट लीव स्टेम नो रूट लीव स्टेम ठीक है और इसमें क्या क्या आ जाएगा इसमें सारे एग्जाम्पल्स अब लिख देना तुम तो। अलवा क्लाडोफोरा या फिर बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्गी ठीक है अल्गा अल्वा आ जाएगा क्लाडो आ जाएगा और जो भी एग्जाम्पल्स हैं तुम उनको यहाँ पे मैंशन कर सकते हो ठीक है चलो देख ही लेते हैं सारे लिख ही लेते हैं यार यूलॉथ्रिक्स आ जाएगा ठीक है स्पाइरो कारा ठीक है ये हो गया थैलोफाइटा डन अब लाइक भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ब्लू ग्रीन एलगी में देखा था फंगस के साथ में ठीक है थैलोफाइटा के बाद में अब हमने बोला कि भैया थोड़ा और एडवांसमेंट तो हम आ जाते हैं ब्रायोफाइटा की तरफ और ब्रायोफाइटा यानी कि अब रूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे रूट एंड लीफ लाइक like स्ट्रक्चर्स और रूट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं और यहां पे आपके कौन आ जाते हैं मोसिस मार्क मार्सीलिया सॉरी मार्केशिया मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ यार एक सेकंड मुझे एग्जांपल्स एक, एक बार देखने दीजिए गलती हो नहीं होनी चाहिए हाँ मार्केशिया फिनेरिया सही थे अपन भरोसे में दिक्कत हो जाती है कभी कभी मार्कैंशियम गलती नहीं करना चाहते ना तुम बच्चों के सामने अब क्या करें नहीं तो परमानेंट तुम्हारे दिमाग में भी गलत बैठ जाएगा ब्रायोफाइटा के बाद में एडवांसमेंट और आ गया और उसको हम बोलेंगे टेरिडो फाइटा लेकिन ब्रायोफाइटा का एक स्पेशल पॉइंट जो हमने मिस कर दिया वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों को एम्फीबियंस लिखना जरूरी है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ठीक है प्लान किंगडम ठीक है ये हो गया अब इसके बाद में आगे बढ़े टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा में हम लोगों को जो एडवांसमेंट देखने को मिला है वो है वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स अब हम लोगों को यहां पे देखने को मिल गए हैं और यहां पे क्या आ जाता है मार्सीलिया आ जाता है फर्न आ जाता है ठीक है मार्सीलिया और फर्न ये चीज क्लियर है अब देखो एग्जाम में लाइफ में अरे तुम लोग कहां पहुंच गए भाई चलो अब इन तीनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं इन तीनों को कंबाइंडली बोला जाता है क्रिप्टो गैम्स ठीक है अब और एडवांसमेंट की बात की जाए तो टेरिडोफाइटा के बाद में आ जाते हैं फिर जिम्नोस्पोम जिम्नोस्पर्म्स जिम्नो जिनके बाद पास में नेकेड सीड्स मौजूद होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे साइकस दियोदर पाइन ये सारे ठीक है और जिम्नोस्पर्म के बाद में कौन आ जाएगा एनजीओ यानी कि सबसे एडवांस्ड। एनजीओ जो होते हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है इसीलिए हम सेक्सुअल रिपोर्डक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं ठीक है यहां पे कवर्ड सीड्स होंगे और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डायकॉट और मोनोकॉट मोनो डायकॉट्स में हम लोगों को रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है और मोनोकॉट्स में पैरेलल ठीक है ये सबसे एडवांस्ड हो जाएंगे और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को मिलाकर बोला जाता है फेनेरोगैम्स और ये लो जी आपका हो गया प्लांट किंगडम एक माइंड मैप में एक स्लाइड में खत्म पूरा इससे आप एक एक चीज़ बता सकते हैं क्या ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को हाँ बच्चा बिल्कुल आराम का कर सकते हैं आप क्या ये चीज क्लियर हो गई है माइंड मैप से आपका पूरा का पूरा प्लान किंगडम यहीं पे खत्म हो गया है ऑल डन हाँ, स्वाहा है दुर्गेश ये आपको देखना पड़ेगा देखिए सोचिए ठीक है चलो ओके नाइस आप ऐसा करते हैं एक आध क्वेश्चन करते हैं विच प्लांट किंगडम हैज सीड्स वैस्कुलर स्ट्रक्चर बट नो differentiated root and leaves option number a gymnosperms option number b angiosperms option number c bryophyta option number d none of the above Java dijiye 30 seconds ka timer starting the poll right now मोस्ट वेलकम अनामिका थैंक यू सो मच हम एल्गी के बारे में भी पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे बच्चा बिल्कुल पढ़ेंगे एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट सेम ब्लू ग्रीन एल्गी इज साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा के अंदर आता है एल्गी प्लांटी के अंदर आता है याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम साइनोबैक्टीरिया है एक्चुअल में ठीक है यस दिस इज नॉट पॉसिबल हंड्रेड परसेंट इनके पास में सीड्स होते हैं वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है तो ये जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स दोनों हो सकते हैं लेकिन नॉट डिफ्रेंशिएटेड रूट से नहीं सर ये तो प्रिमेटिव में चला गया तो आंसर जाएगा हमारा नन ऑफ द अब स्टॉपिंग द पोल ऑप्शन नंबर डी शो द रिजल्ट एट्टी टू पॉइंट फाइव फाइव परसेंट बच्चे बहुत ही शानदार विनिमेश साहिल अपूर्वा मेहुल और संतोष बहुत बढ़िया आंसर जाएगा नन ऑफ द अब आई होप ये चीजें सब लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी तो आज हम लोगों ने पांच किंगडम्स के बारे में पढ़ा क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं ये पढ़ा प्लान किंगडम क्या होता है ये पढ़ा बेटा ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको एक एक महीने पढ़ाया जाता है फिर भी बच्चों के सर के ऊपर से चला जाता है लेकिन आप लोगों ने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो निभाया है तभी आप इसका आंसर दे पा रहे हैं तो जस्ट क्लैप फॉर रहेपोर्फ कि तुम लोगों ने क्लास में पूरे फोकस के साथ में पढ़ा है तभी समझ में आया है नहीं तो इतना आसान नहीं होता है ठीक है बहुत ही बढ़िया और क्वेश्चंस तो अभी अपन लोग डीपीपी करेंगे ना डी करेंगे और रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की वहाँ पे आएंगे तुम्हारे पास में कुछ क्वेश्चन पहली बार याद हुआ है बहुत बढ़िया पहली बार याद हुआ है और हमेशा दिमाग में रहेगा ठीक है चलो नाइस nice. अरे नहीं क्रेडिट गोज टू यू अगर तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते तो याद भी नहीं होता ठीक है बहुत ही बढ़िया बहुत शानदार चलो भाई डीपीपी की बात की जाए सेक्शुअल फ्लारिंग प्लांट्स इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है इसको हम लोग अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लार अरे भाई ये तो बहुत ही ईजी है यार ऐसे लप्पू से क्वेश्चन आएंगे तो, तो हम हंड्रेड परसेंट आंसर दे देंगे स्टेमिन जो होता है वो कुछ इस प्रकार का हम लोगों को देखने को मिलता है ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट और इसको बोला जाता है स्टीमिन या फिर इसका एक और नाम आप याद रखेंगे इसको बोला जाता है एंड्रोशियम ठीक है और फीमेल जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव उसको गाइनोशियम बोला जाता है याद रखना है गाइनाइकोलॉजिस्ट से जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डील करती हैं इसीलिए वहाँ पे गाइनोशियम हम फीमेल वाले को बोलते हैं एंड्रोशियम मेल को नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ऑफ फ्लारिफरेंट फ्लॉर्स ऑफ अनादर प्लांट यहाँ पे मैं भाई अनादर का मतलब तो क्रॉस पॉलिनेशन आ जाएगा और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एजेंट्स होते हैं ठीक है वॉटर में तो प्लांट रहता है वो किस में आएगा वॉटर में भी अलग अलग प्रकार के प्लांट मिलते हैं ना बच्चे उसमें हम लोगों को एलगी भी देखने को मिल रहा है टा भी देखने को मिल रहा है यानी कि और भी मिलते हैं ब्रायोफाइटा भी देखने को मिलता है टेरिडो भी देखने को मिलता है सब देखने को मिलता है ठीक है चलो अब नेक्स्ट मैच द द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन एनिमो का मतलब होता है विंड एंटोमो याद कैसे रखना एंट यानी कि इंसेक्ट और हाइड्रो का मतलब वाटर तो वन का सी वन का सी वन का सी यहाँ पे इन दोनों में सेकेंड का आ जाएगा हमारा बी तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत सिंपल बहुत ही सिंपल ठीक है नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन टू एक्सप्रेसिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड फ्लांग प्लाट्स एंड टू फ्यूजन ऑकर्स इन एम्ब्रियोसेक टू फ्यूजन यानी कि सिनगैमी सिनगैमी यानी कि मेल और फीमेल का मिलना और ट्रिपल फ्यूजन ऑकर्स इन द एम्ब्रियो सैक तो आप चूज द करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्या Assertion का करेक्ट रीजन है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है बिल्कुल करेक्ट रीजन है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलो नेक्स्ट फर्टिलाइज ओव्यूल द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज फर्टिलाइज ओव्यूल पूछा है ध्यान से देखना और ओव्यूल सीड बनाता है बहुत बार पढ़ लिया ठीक है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट पोलन ग्रेन आर फॉर्मड इन साइड अरे भाई एंथर ओवरी के अंदर थोड़ी ना बनेगा पोलन ग्रेन है ना ये तो बहुत ही ईजी हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेपल ऑफ अ फ्लावर फंक्शन बाय प्रोटेक्ट करता है ना फ्लावर को बर्ड स्टेज में बताया था ना जो बर्ड होता है वो ग्रीन कलर का क्यों दिखता है क्योंकि वो सेपल्स होते है में, वो पेटल्स जो, 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 जो फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट द डैश ऑफ अ फ्लावर गिव्स राइज टू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन वापस वही क्वेश्चन घुमा के पूछा वो व्यूल आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गाइनोशियम स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होते हैं फिलामेंट नहीं होता दोबारा तीसरी बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है आंसर जाएगा बी फिल्मेंट विच वन ऑफ द फॉलिंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ज्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले क्या होता है पॉलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन डिविजन ऑफ साइगोड फॉर्मेशन ऑफ एम्रियो फिर सीडलिंग करेक्ट जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलो इसके बाद में ये तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो यहाँ पे बच्चा आज हम लोगों ने बहुत बड़ा एक चैप्टर जो है वो अभी तुम लोगों को बहुत छोटा सा लग रहा होगा तुम लोगों को बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ दो पेज का आज का चैप्टर है ठीक है एक पेज पे पाँचों किंगडम का क्लासिफिकेशन बनाना एक पेज पे प्लांट का क्लासिफिकेशन बनाना और तुम्हारा यहाँ पे इतना बड़ा चैप्टर जो है ना जिसके लिए एनसीईआरटी में इतने सारे पेजेस आए बच्चों को समझ में ही नहीं आता कौन कहाँ क्या दो पेज में तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे सबमिट के रख दिया गया है अब तुम्हारा काम है अच्छे से माइंड मैप बनाओ इसके बाद में बिना रिवाइज़ किए अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा डीपीपी को सॉल्व कर लीजिएगा जितना भी स्कोर आ रहा है एक और बात याद रखिएगा डीपीपी में अगर एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अगर नहीं भी बन पा रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तब बन जाएगा और हाँ हम लोग इस संडे को भी मिल रहे हैं ठीक है संडे को मिलेंगे एनिमल किंगडम को यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट मैं इसीलिए जल्दी क्लास ले रही हूँ जिससे कि हम लोग भूल ना पाए क्लासिफिकेशन और बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है तो चलो सब लोग अपना ध्यान रखना अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी इसीलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें अच्छी तरह मन लगा के पढ़ते रहें क्योंकि यही वक्त है जो बाद में सोना बन सकता है अगर सोने में नहीं गुजारा तो ठीक है तो एवरी वन टेक केयर बाय बाय टिल देन जय हिंद वंदे मातरम